पैकिंग वैकिंग सब हो गया, ये मेरा लैपटॉप बैग है, बाकी का बैग मैंने गाड़ी में रख दिया है। निकल गया हूँ घर से, गाड़ी देख सकते हो आगे दिखाई भी नहीं दे रहा है ठीक से, इतना गंदा है गाड़ी। तो फर्स्ट मैं गाड़ी वॉश करने के लिए लेके जाऊँगा, उसके बाद आई एम गोना पिक अप प्रीतम बिकॉज प्रीतम इज जॉइनिंग विद मी। मुझे भी फ्यूल डालना होगा, ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गया है, तो आगे है फ्यूल स्टेशन, वहाँ पर डालते हैं थोड़ा सा डीजल। गाड़ी भी क्लीनिंग करवाना है, मुझे सही जगह मिल नहीं रहा है, यहाँ पर पीछे शायद बंद था, देखते हैं आगे मिलेगा तो। ये तो क्लीन किए बिना ये गाड़ी लेके नहीं जा सकते भाई, गाड़ी का कलर ब्लैक है लेकिन वाइट हो गया है बाहर से। तो अभी मैं क्यू में हूँ, गाड़ी वॉश करना है यहाँ पे, ये मशीन वॉश था तो खाली बॉडी वॉश करना होगा यहाँ पे, जल्दी से वॉश कर लेंगे फिर निकल जाएंगे प्रीतम को पिकअप करने के लिए। वी आर गेटिंग लेट बट देखते हैं, विल ट्राई टू रीच ऑन टाइम। दिस इज प्रीतम अपार्टमेंट और अंदर जाता हूँ, दुल्हन को लेके आना पड़ेगा। टाइम इज़ ऑलमोस्ट 2:15 और अभी हम लोग हैं सैपलैब के पास वाइट फील्ड में। इट्स गोना टेक अस ऑलमोस्ट 5 आवर्स फ्रॉम हियर। यू कैन सी प्रीतम, प्रीतम आई पिक्ड अप प्रीतम, इट विल टेक हार्डली 6 मंथ नॉट 5 इयर्स। तो हम लोग अभी हैं आइकिया के पास और अरे तेरी यार, मैंने स्टोव लाया नहीं क्या? मैं आई फॉरगॉट टू गेट द स्टोव, जिसके लिए मुझे गैस लेना था सिलेंडर। थर्ड फ्लोर में है दुकान, चलो देखते हैं, नहीं तो एक नया स्टोव ले लेंगे। तो अपना पूरा कैंपिंग सेटअप आ गया अंदर, हो गया हाँ। चलो बढ़िया, चलो भाई। जब भी मैं ये देखता हूँ, ये वाला क्या याद आता है पता है? फाइनल डेस्टिनेशन। रोड मस्त है, लगा नहीं और ये अपना सेटअप है पूरा, यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं खाना खाने के लिए। प्रीतम ही इज हैविंग टी ओवर देयर, दिस इज द ब्यूटीफुल हाईवे। क्या हुआ प्रीतम, क्या हुआ? तेरा भाई वहाँ पे दुकान में टुडे। वी स्टॉप्ड हियर एट बेल्लूर, बेल्लूर बोल के एक जगह है, यहाँ पे हम लोग रुके हैं कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए। आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इट इज़ द राइट टाइम टू कम टू चिकमंगलूर। 1560 दो रखोगे? टाइम इज़ ऑलमोस्ट 6:38 और हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग हासन पहुँचने वाले हैं। एंड वी आर स्टॉपिंग, क्विक स्नैक ब्रेक, थोड़ा सा पकौड़ा चाय वाय पियेंगे फिर निकलेंगे आगे के लिए। यहाँ से ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर होगा शायद। सो दिस इज़ व्हाट वी ऑर्डर, दिस इज़ कॉल्ड बोंडा सूप, पता नहीं कैसा होता है इसका टेस्ट, आई एम गोना ट्राई दिस फर्स्ट टाइम। एंड ये क्या कहते हैं, दिस इज़ काइंड ऑफ पूरन, this kind of a puran palmi, this is kind of a sweet with coconut and all this. Okay, you can see this is the bill, ye hai A2B mein and cost is around 347. Pitam lodu coffee 50 rupees
so costly. 15 rupees only. ये वाला टी 47 रुपीस कॉस्टली तो है साउथ इंडिया में ये सब. टाइम इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 8 PM और अभी हम लोग हासन में हैं एंड इट्स गोना टेक अस ऑलमोस्ट एन आवर टू रीच चिकमंगलूर. रोड्स आर क्वाइट गुड लेकिन थोड़ा सा बारिश हुआ है तो थोड़ा ट्रैफिक स्लो है, इसकी वजह से बहुत सारी गाड़ियाँ स्लो जा रहा है. बारिश अभी भी हो रहा है, पूरा दिन आज बारिश हुआ है. रास्ते में बहुत सारे ट्रीज भी गिरे हुए हैं. हाँ, रास्ते में बहुत सारे पेड़ टूट गए थे और उसके वजह से थोड़ा इतना ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा था लेकिन थोड़ा ब्लॉक हो गया था बीच में. वेदर इज़ माइंड ब्लोइंग, बहुत सही वेदर है, बारिश हो रहा है और बारिश के टाइम पे चिकमंगलूर तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है. सो वी आर एक्सपेक्टिंग टू रीच अराउंड 9:30. अभी तक हम लोगों ने होटल वोटल तो बुक किया नहीं है. सो जाने के बाद विल सी, देखेंगे कुछ मिलेगा वहाँ पे तो, नहीं तो गाड़ी में ही सो जाएंगे पीछे. वी गॉट इनफ स्पेस और हम लोगों ने स्टोव बुक कर लिया था. वी हैव टू बाय मैगी समवेयर ब्रो. मैगी लेना है कहीं पे. सो एटलीस्ट नाइट कुछ नहीं मिला तो वी कैन मेक मैगी एंड कैन जस्ट यू नो हैव इट एंड स्लीप देयर. देख रहे हो भैया बारिश कैसे हुआ है, चारों तरफ पेड़ वेड़ टूटे हुए हैं, फट गया है पूरा. ये देखो पेड़ टूटा हुआ है, ये पूरा पेड़ टूटा हुआ है भाई. बहुत रिस्की है इस टाइम पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो. ये देखो पूरा पेड़ टूटे हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहा ठीक से. इसमें अभी जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको. यहाँ पे भी गिरे होंगे भाई साहब. ये देखिए यहाँ पे गिरा हुआ है पेड़, ये पूरा रोड पे गिरा था शायद. एक्सीडेंट अभी भी पलट रहा है. आराम से गाड़ी चला चल. अरे नहीं पलटेगा मेरे भाई, चिंता क्यों कर रहा है, भरोसा रखो भाई पे. लोग चिकमंगलूर पहुंच गए हैं, टाइम हो गया है ऑलमोस्ट अराउंड 9:20. ओके थोड़ा लेट हो गया हम क्योंकि हम बहुत स्लो आ रहे थे. And we are looking for a hotel क्योंकि अभी तक हमने होटल बुकिंग किया ही नहीं है. This place looks good. यहाँ पर पार्किंग भी दिखाई दे रहा है आगे, आप देख सकते हो तो हमें अच्छा खासा पार्किंग मिल जाएगा. बात करने के लिए प्रीतम गया हुआ है ऊपर, देखते हैं क्या प्राइस है. फिर वी आर लुकिंग फॉर ए बजटेड वन क्योंकि रात को ही खाली सोना है, सुबह हम लोग निकल जाएंगे आगे. ब्यूटीफुल बहुत ही ब्यूटीफुल क्लाइमेट है भाई चिकमंगलूर में. होटल का नाम है Renu Kamba Comforts. नया होटल है शायद. दिस इज द वन. तो ये हाईवे है तो रोड के बाजू में ही है. Let me gonna give you a tour about the room. This is double bed, queen size लग रहा है ये. And got a place here for sitting. Actually 3500. और यहाँ पे बैठने के लिए एक जगह है. और ये आ गया वॉशरूम. Looks okay. यहाँ पे एक बेसिन और एक मिरर है. और ये मैं सामान पकड़े हुए. This is the room. Not bad. 1800 में. The actual cost is 3500, right? We got it in 1800. हमें एक रात को ही रुकना था तो. No, we can stay until tomorrow 12. Oh, is it? ठीक है. लेकिन उनको भी पता है ये लोग तो रहेंगे नहीं 12 बजे तक. अरे वाह, नाले का व्यू, रोड का व्यू आ गया.